रेस आईएस की करंट खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TELEOS-2 को लॉन्च करने के लिए अपने अगले बड़े वाणिज्यिक मिशन की तैयारी कर रहा है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते और TELEOS-2 के बारे में जानते हैं। यह 750 किलोग्राम का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे पृथ्वी के 24 घंटे सभी मौसम में उपग्रह इमेजरी लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन में डेटा प्रदान कर सकता है। यह उड्डयन दुर्घटनाओं, खोज और बचाव कार्यों और अन्य में सहायता के साथ साथ हॉटस्पॉट निगरानी और धुंध प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली इमेजरी प्रदान करेगा। TELEOS-2 को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा जो अपने 55वें मिशन पर उड़ान भरेगा। आइए TELEOS-1 के बारे में जानते हैं। सिंगापुर का पहला वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे 16 दिसंबर 2015 को श्रीहरिकोटा में SDSC यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV-C29 द्वारा लॉन्च किया गया था। TELEOS-1 को ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। आइए PSLV के बारे में जानते हैं। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है क्योंकि इसने पृथ्वी की निचली कक्षाओं में लगातार विभिन्न उपग्रहों को पहुंचाया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान तरल चरणों वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। इसके द्वारा रॉकेट 600 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1750 किलोग्राम पेलोड तक ले जाया जा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेसआईएस ऐप एंड नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।